सेक्स समस्या अर्थात लैंगिक समस्या का मानसिक कनेक्शन, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। काफी सारे लोग सेक्स समस्या लेके मेरे पास में आते, लैंगिक समस्या उनको है। उसमें मेन प्रॉब्लम जो है नंबर एक, वो प्रॉब्लम है शीघ्रपतन का, जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, अर्ली इजैकुलेशन होना, प्री मैच्योर इजैकुलेशन होना सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम होता है। नंबर दो का प्रॉब्लम होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब लैंगिक कठोरता नहीं आना, इरेक्शन नहीं आना, लिंग में कठोरता नहीं आना और सेक्स नहीं कर सकना, ये दूसरा प्रॉब्लम होता है। तीसरा प्रॉब्लम जो उनमें होता है वो है कि भाई बहुत बार हस्तमैथुन किया है मैंने, बहुत वीर्यनाश किया हुआ है और उससे अभी मुझे कमजोरी आई हुई है, और कमजोरी आई है, बदन में बहुत थकान आ रही है। लोग ऐसा आते हैं कि बस नर्वसनेस आ गया है, मैंने बहुत ताकत गमा दिया है, मेरे में जोश नहीं है, पूरे बदन में दर्द कर रहा है, इसलिए लोग आते रहते हैं। और वीर्यनाश हुआ करके तकलीफ हो रही, इसलिए लोग आते रहते हैं। और वीर्यनाश हुआ, एक तो हस्तमैथुन से वीर्यनाश हुआ या सपने में वीर्यनाश हुआ, जिसको बोलते हैं स्वप्न दोष या नॉक्चर्नल इमिशंस या नाइट फॉल बोलते हैं। तीसरा लोग बोलते हैं कि भाई संडास के समय या बाथरूम करने के समय, मतलब यूरिन करने के समय, उसके पहले वीर्य जाता है और वो भी बहुत जा रहा है, इसलिए भी प्रॉब्लम हो रहा है। चौथा बोलते हैं कि चिपचिपा पानी जा रहा है, लड़की के साथ में बैठते, लड़की के साथ में बातचीत करते हैं तो, और उनको लगता है कि चिपचिपा पानी मतलब वीर्य जा रहा है, और उनको लगता है कि इसके वजह से बहुत सारा वीकनेस आया हुआ है। मतलब लोग सब जो जिनको जितकी जितनी भी तकलीफ लोगों को हो रही है वो सब वो जोड़ते हैं कि वीर्य नाश हो रहा है उससे, ये मेन ऐसी तकलीफ है। अब देखिए ये पूरी की पूरी तकलीफ है जो है, ये सब तकलीफ है जो सब सिम्टम्स है, सब साइकोलॉजिकल है, सभी ज्यादातर, सभी नहीं मतलब 100% नहीं है, ज्यादातर क्या है कि एक समझ लो आपकी 35 साल 40 साल ये जो उम्र है इसके पहले यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो समझ जाना वो 99% जो है वो मानसिक कनेक्शन उसका है, साइकोलॉजिकल है। हाँ 35-40 साल के बाद में यदि प्रॉब्लम आता है तो हो सकता है कि वो फिजिकल है, शारीरिक कोई प्रॉब्लम हो सकता है। शारीरिक प्रॉब्लम क्या हो सकता है, तो शारीरिक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उनको डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ चुकी है और जिसके वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, और जो खून की नलियां हैं ब्लड वेसल्स अंदर से उसका जो लेयर रहता है वो बहुत जाड़ा हो गया, मोटा हो गया है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है और जिसके वजह से ब्लड फ्लो लिंग में जाता है वो बराबर नहीं जा रहा है, या कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, या कोई दूसरी शारीरिक बीमारी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है कि पीछे जो है रीढ़ की हड्डी वहाँ कोई बीमारी हो चुकी है, वहाँ कोई मार लगा हुआ है या लिंग को मार लगा हुआ है, मतलब ये जो शारीरिक कारण है वो बहुत कम है यंग एज में स्पेशली। हाँ जैसे जो उम्र बढ़ जाती है, बढ़ते जाती है वैसे शारीरिक कारण बढ़ते जाते हैं। अदरवाइज यंग लोगों में जो भी प्रॉब्लम लैंगिक समस्याओं का है और या जो भी लैंगिक समस्या है उसका पूरा का पूरा कनेक्शन मानसिक है, यंग लोगों में जो होता है। अब मानसिक कैसा है, मानसिक क्यों हो चुका है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते कि नहीं हमको है ना सेक्स करने के समय पत्नी के साथ में सोते हैं तब टाइटनेस आता ही नहीं, अकेले रहते हैं विचार करते हैं सोचते हैं हस्तमैथुन करते तो आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि पत्नी सामने है या लड़की सामने है उनको धक 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 शुरू हो जाती है, घबराहट हो जाती है और वो टाइटनेस आता ही नहीं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि नहीं हमको रात में जो है ना नींद में टाइटनेस आता है, इरेक्शन हो जाता है, कठोरता आती है नींद में, जब भी कभी जाग आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि शारीरिक पूरे तंदुरुस्त है, बिल्कुल सेकंड साइन है। पहली साइन मैंने क्या बताया, स्पॉन्टेनियस इरेक्शन हो रहा है, अकेले है तो इरेक्शन हो रहा है, लड़की सामने आई या औरत सामने आई तो नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, वो साइकोलॉजिकल है पूरा का पूरा। दूसरा नाइट में होता है, सपने में होता है इरेक्शन, जैसे ही जाग गए वो लूज हो जाता है। इसका मतलब लिंग में कोई भी तकलीफ नहीं, शरीर में कोई तकलीफ नहीं। तीसरा और एक कारण हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन, जब उठते हैं सुबह तभी भी टाइटनेस रहता है और सामने कोई आया व्यक्ति की मतलब सेक्स करना है उस समय निकल जाता है। तो ये सब जो है
ये पूरे के पूरे साइकोलॉजिकल कारण है कि जिसके वजह से लैंगिक कठोरता नहीं है, क्योंकि बाकी जगह आ रहा है सेक्स करना बोले तो उनको प्रॉब्लम आ जाता है। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, मतलब मैं मेरा परफॉर्मेंस देना है, जो एक्शन करनी है उस समय चिंता, फिकर, घबराहट कि जिसके वजह से उनको भी जमते ही नहीं कि नहीं होंगे ही नहीं। और ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बहुत सारे लोगों में होते हैं। जैसे क्रिकेट अच्छा खेलने वाला लड़का जो गली में अच्छा क्रिकेट खेलता है, मैच में गया कि गया काम से नहीं कर सकते हैं। सादा एग्जांपल देता हूं, मैं कैरम खेलते ना, कैरम तो कैरम खेलने के समय अकेला जब खेलते तो सट 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 बोल वो ले लेंगे गोटियां, मैच बोल लिया कि नहीं जमता उनको, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, हाथ थरथराना चालू हो जाएगा, सब लोग देख रहे कैसा होगा कैसा नहीं, धक 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 करेगा और नहीं कर सकता। मतलब शारीरिक कुछ भी कारण नहीं है, जैसे उनको बोला परफॉर्म करो बस खलास। बच्चों का एग्जाम्पल लो, जब टेस्ट होती है कोचिंग क्लास की उसमें अच्छे मार्क लेते हैं, जब कोई टेंशन नहीं है, जैसे एग्जाम आ गई परफॉर्मेंस डाउन, टेंशन आ गया। तो जितना ज्यादा एंग्जाइटी, जितनी ज्यादा एंग्जाइटी उतना ज्यादा टेंशन, उतना लो परफॉर्मेंस, ऐसा गणित हो जाता है। तो ज्यादातर यंग लोगों में ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है जिसके वजह से वो सेक्स नहीं कर पाते। हो सकता है कि सेक्स करते करते कोई एकदम फटाक से आ गया अंदर और उनको बाजू होना पड़ा, अलग होना पड़ा, देख लिया किसने, पकड़े गए कहीं अलग सेक्स कर रहे थे, खेत में, झोपड़ी में, कहीं तो भी सेक्स कर रहे थे, पकड़े गए, बस वहां से एकदम डर बैठ गया। या कभी कभी सेक्स करते समय ऐसा होता है बहुत बार कि औरत के साथ में, पत्नी के साथ में सेक्स कर रहे हैं, उस समय एकदम बहुत ज़्यादा टेंशन का ख्याल आ गया, बहुत ज़्यादा टेंशन का ख्याल, और करते करते लूज हो गया, बस वहाँ झटका बैठ जाता है कि अरे बाप रे अब मैं कर नहीं सकता हूँ, क्या हो गया, और ढीला हो गया, निकालना पड़ा बाहर या निकल गया ऑटोमेटिकली, उसके बाद में वो कर नहीं पाते। तो चिंता, फिकर, टेंशन, स्ट्रेस, ये विचार यदि दिमाग में है पूरे पूरे सेक्स सेंटर में दिमाग के, तो सेक्स के विचार आने को जगह ही नहीं है। सेक्स के विचार आएंगे नहीं, सेक्स की इच्छा होंगी नहीं, इमोशन सेक्स के नहीं आएंगे, और वो नहीं आएंगे तो टेंशन आएगा नहीं। कितनी भी गोलियां आप खाओ, वायग्रा खाओ या कोई भी खाओ, यदि आपके दिमाग में बहुत टेंशन है, घबराहट है, बेचैनी है, सेक्स के विचार ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो कोई भी गोली काम में आती नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के लिए उसको हम काउंसिलिंग करते हैं, साइकोसेक्सुअल काउंसिलिंग, जिसमें मैं उनको बोलता हूँ कि पहले आप साथ में बैठो, दो चार दिन साथ में बैठो, गप्पे मारो, हाथ में हाथ लो, फोर प्ले करो, परफॉर्म करना ही नहीं है, मतलब परफॉर्म करने का जो टेंशन है वो पूरा निकाल देने का है। और वो पूरा निकल गया परफॉर्म करने का टेंशन, जब उनको मालूम है कि कर ही सकते नहीं, करना ही नहीं है, कर सकते नहीं, नहीं करना ही नहीं है, सिर्फ खेलने का है, सिर्फ फोर प्ले करने का है, करना नहीं है, दोनों को मालूम ही करने का नहीं है, तो उनका इरेक्शन हो जाता है और वो कर डालते हैं। मतलब कितने सारे लोग ऐसे मेरे पास में आ गए कि आपने बोला कि करो मत, आपने बोला कि सिर्फ फोर प्ले करो, और फोर प्ले करते करते इतना इरेक्शन हो गया कि हमने कर डाला और वहां से मेरा जो डर था वो निकल ही गया। तो वो टेंशन निकाल देते हैं हम, टेंशन निकल गया कि फटाक से परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। बाकी फिर शारीरिक बीमारी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे हैं, शारीरिक बीमारी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, सब वो निकाल डालो, या टेंशन से इसकी गोलियां खा रहे हैं उससे भी प्रॉब्लम आता है, तो ये सब निकाल डालो, रिलैक्स हो जाओ। मैं हरदम बोलता हूँ, यहाँ टेंशन है तो नीचे टेंशन आएगा नहीं, यहाँ एकदम रिलैक्स है तो नीचे टेंशन आएगा, टेंशन दोनों जगह रह सकता नहीं, एक जगह रिलैक्स रहेगा तो एक जगह टेंशन है, यहाँ रिलैक्स है तो नीचे टेंशन है। तो यह सेक्स विकार का मानसिक कनेक्शन या लैंगिक समस्याओं का मानसिक कनेक्शन। इसमें आप समझ लेंगे तो डेफिनेटली आप बिना दवाई के अच्छे हो सकते हैं। अब रहा सवाल इजैकुलेशन का, जल्दी इजैकुलेशन का, वो एक हैबिट लग जाती है, वो एक हैबिट लग जाती है प्री मैच इजैकुलेशन की, जो हस्तमैथुन बार 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 करते हैं और जल्दी जल्दी गिराने की कोशिश करते हैं, तो प्री मैच इजैकुलेशन की हैबिट लग जाती है। या कोई आ जाएगा जल्दी जल्दी करना है, हर बार ऐसा करते रहे, कोई आने आ जाएगा पकड़ लेंगे, उसमें जल्दी करो फटाक से करो, तो उसकी हैबिट लग जाती है। तो हैबिट तोड़ने के लिए स्टार्ट स्टॉप टेक्निक हम इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, कीगल्स एक्सरसाइज बोलते हैं, दवाइयाँ बोलते हैं,
जिससे कि ये जो है हैबिट वो निकल जाएगी। मुझे विश्वास है कि इस तरह आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका सेक्स लाइफ अच्छा हो सकता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि सेक्स विकार का मतलब लैंगिक समस्याओं का मानसिक कनेक्शन कैसा है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।